अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे। और मैं हूं आज आपके साथ हसब मामूल डेली करंट अफेयर्स की इस वीडियो में। और आज हम डिस्कस करेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं 4 अप्रैल 2020 के। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। विच डेथ एनिवर्सरी ऑफ जुल्फकार अली भुट्टो इज बींग ऑब्जर्व्ड ऑन 4 अप्रैल 2020। ऑप्शन ए 40, बी 41, सी 42, डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब होगा बी 41। He was a barrister and politician who served as 9th Prime Minister of Pakistan from 1973 to 1977. He served as 4th President of Pakistan from 1971 to 1973, and he founded Pakistan People's Party on 30th November 1967. He remained 7th Speaker of National Assembly and 8th and 12th Foreign Minister of Pakistan. Question number 2. North Atlantic Treaty Organization, NATO, was founded on 4th April in which year? Option A 1949, B 1950, C 1951, D none of these। तो इसका सही जवाब होगा A 1949। The headquarters of NATO is located in Brussels, Belgium. There are 30 members states in NATO. It is a military alliance। तो ये इंतहाई इम्पोर्टेंट है कि ये आपको याद होना चाहिए कि ये जो NATO है, ये NATO मिलिट्री अलाइंस है। क्वेश्चन नंबर 3। माइक्रोसॉफ्ट वॉज फाउंडेड इन 1975 ऑन विच डेट? ऑप्शन ए 3rd अप्रैल, बी 4th अप्रैल, सी 5th अप्रैल, डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब होगा बी 4th अप्रैल। यानि आज ही के दिन 1975 में माइक्रोसॉफ्ट की बुनियाद रखी गई। दी हेडक्वार्टर्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट इज लोकेटेड इन वॉशिंगटन, USA। बिल गेट्स एंड पॉल एलन आर द फाउंडर्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। क्वेश्चन नंबर 4। हु इज द इनकम्बेंट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट? ऑप्शन ए बिल गेट्स, बी ब्रांड स्मिथ, सी सत्या नडेला, डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब होगा सी सत्या नडेला। बिल गेट्स ये फाउंडर्स हैं और ब्रांड स्मिथ ये देखेंगे यहाँ पे, ही इज एन इंडियन अमेरिकन बिजनेस एग्जीक्यूटिव एंड CEO ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। सत्या नडेला जो हैं वो इंडियन अमेरिकन बिजनेस एग्जीक्यूटिव हैं और मौजूदा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं माइक्रोसॉफ्ट के। ब्रांड स्मिथ इज करंट प्रेसिडेंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। तो ये जो हैं ये करंट प्रेसिडेंट हैं माइक्रोसॉफ्ट के। क्वेश्चन नंबर 5। ऑन विच डेट चाइना अनाउंस्ड टू ऑब्जर्व नेशनल मॉर्निंग डे फॉर मार्टायर्स हु डाइड इन द फाइट अगेंस्ट COVID-19 एंड कंपेट्रियट्स डाइड ऑफ द डिजीज? ऑप्शन ए 4th अप्रैल 2020, बी 5th अप्रैल 2020, सी 6th अप्रैल 2020, डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब होगा ए 4th अप्रैल। आज के दिन चाइना ने जो है एक दिन का सोग मनाने का ऐलान किया है। जो उनके डॉक्टर्स, जो उनके स्टाफ
जो उनके नेशनल्स जो इस डिजीज के थ्रू डाइड हुए हैं. कोविड 19 इज एन इन्फेक्शियस डिजीज कॉज्ड बाय सीवियर अक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2, जिसे सार्स COV2 कहा जाता है. इट वॉज फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन डिसम्बर 2019 इन वुहान, द कैपिटल ऑफ चाइनाज हुबई प्रोविंस, एंड हैज सिंस स्प्रेड ग्लोबली कॉजिंग थाउजेंड्स ऑफ कैजुअल्टीज एंड मिलियंस ऑफ अफेक्टिव्स. क्वेश्चन नंबर 6, साइक्लोन हारोड हिट विच आइलैंड्स ऑन 1 अप्रैल 2020. ऑप्शन ए सिसली आइलैंड्स, बी सोलोमोन आइलैंड्स, सी गोम आइलैंड्स, डी नन ऑफ दीज. तो इसका सही जवाब है बी सोलोमोन आइलैंड्स. सोलोमोन आइलैंड इज अ सॉवरन स्टेट कंसिस्टिंग ऑफ 6 मेजर एंड ओवर 900 सिमिलर आइलैंड्स इन ओशनिया लाइंग टू द ईस्ट ऑफ पापुआ न्यू गिनी. द कैपिटल सिटी इज होनाइरा वाइल ग्लोबल कॉलिंग कोड इज +677 वाइल सोलोमोन आइलैंड्स डॉलर इज द करेंसी ऑफ द कंट्री. क्वेश्चन नंबर 7, द सिंध हाई कोर्ट रिसेंटली ऑर्डर्ड टू रिलीज किलर्स ऑफ अ जर्नलिस्ट नेमली डेनियल पर्ल हु बिलोंग्स टू विच कंट्री. ऑप्शन ए USA, बी UK, सी कैनेडा, डी नन ऑफ दीज. तो इसका सही जवाब है ए USA. He was an American journalist for the Wall Street Journal who was kidnapped and beheaded by terrorists in Karachi on 1 February 2002. ये 1 February 2002 को इसको जो है बीहेड किया गया, इसका सर कलम किया गया था कराची के किसी इलाके में. और ये जो है अमेरिकन जर्नलिस्ट थे और ये द वॉल स्ट्रीट जर्नल के लिए काम करते थे. क्वेश्चन नंबर 8, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग लॉन्च्ड अ फैसिलिटी ऑफ टेली स्कूल टू द स्टूडेंट्स एट देयर डोर स्टेप्स विथ द कोलिशन ऑफ विच टीवी चैनल. ऑप्शन ए PTV, बी ATV, सी QTV, डी नन ऑफ दीज. तो इसका सही जवाब होगा ए PTV. द इनिशिएटिव अनाउंस्ड बाय फेडरल मिनिस्टर फॉर एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग शफकत महमूद हु स्टेटेड दैट द एम इज टू प्रोवाइड स्टूडेंट्स 10 आवर्स ऑफ कोर्स बेस्ड क्लासेस एवरी डे वाइल दे रिमेन इनडोर्स. क्वेश्चन नंबर 9, ग्लोबल पोलियो इराडिकेशन कैंपियंस हैज बीन सस्पेंडेड फर्स्ट टाइम इन हाउ मेनी ईयर्स. ऑप्शन ए 20 ईयर्स, बी 25 ईयर्स, सी 30 ईयर्स, डी नन ऑफ दीज. तो इसका सही जवाब है सी 30 ईयर्स. 30 साल के टाइम के बाद ये पहली मर्तबा हुआ है कि पोलियो कैंपियन जो है उसको मनसूख करना पड़ गया है. ग्लोबल पोलियो इराडिकेशन इनिशिएटिव GPEI हैज अनाउंस्ड दैट इट्स हेल्थ वर्कर्स कैन नॉट कंटिन्यू देयर इम्यूनाइजेशन ड्राइव ड्यू टू ऑनगोइंग पेंडेमिक. देयर आर ओनली 2 nations, namely Pakistan and Afghanistan, remaining where the wild version of the polio virus is continued to spread. Question number 10, which country's parliament speaker infected with COVID-19?
दुनिया के किस मुल्क के पार्लियामेंट स्पीकर जो हैं वो कोविड-19 का शिकार हो गए हैं? ऑप्शन ए इटली, बी स्पेन, सी ईरान, डी नन ऑफ दीस। तो इसका सही जवाब है सी ईरान। ये हैं स्पीकर साहब जो अनफॉर्चुनेटली कोविड-19 का शिकार हो गए हैं, और इनका जो नाम है वो है अली लारिजानी, एज्ड 62 ईयर्स, 62 साल उम्र है अली लारिजानी की, हु वाज रिलेक्टेड एज पार्लियामेंट स्पीकर इन 2016। ये दूसरी मर्तबा पार्लियामेंट के स्पीकर जो है ये इलेक्ट हुए हैं 2016 में। ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट सीनियर ऑफिशियल्स टू बी इन्फेक्टेड सो फार। अभी तक जितने भी सीनियर ऑफिशियल्स इन्फेक्ट हुए हैं उनमें ये सबसे ज़्यादा मोस्ट सीनियर ऑफिशियल हैं गवर्नमेंट के, जो कि अनफॉर्चुनेटली कोविड-19 का शिकार हो गए हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हमारी सब वीडियो टाइमली मिल सके। तो इंशाल्लाह मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।